हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है नई वीडियो में। आज के टॉपिक है अलार्म किस प्रकार से सेट करते हैं, बताऊंगी। फ्रेंड्स, मेरे पास मोटो का फोन है। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग्स ऐप ओपन करने हैं। सॉरी फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्लॉक ऐप ओपन करने हैं। एंड इसके बाद आपको यहाँ दिख जाता है अलार्म के प्लस आइकन का ऑप्शन है। एंड इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से टाइमर लगाना है। एंड जैसे कि मैं टाइमर लगा रही 5 AM। एंड इस प्रकार से क्लिक कर देंगे, यहाँ पे मिनट सेट करने का ऑप्शन आता है। इसके बाद जिस तरीके से करेंगे, एंड AM PM इस तरीके से होता है, AM और ये होता है PM। तो हम AM रख रहे हैं। एंड इसके बाद ओके भी क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से टाइमर सेट हो जाता है। अब इधर लगाएंगे, इधर कितने सेकंड का आप लगाना चाहेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, मतलब कि कितने वक्त तक लगाना चाहेंगे। रिपीट यानी एवरी डे में हर रोज का रख रहे हैं अलार्म। एंड इसके बाद आपको यहाँ दिखता है रिंगटोन। एंड यहाँ से रिंगटोन सेट करेंगे। अगर इनमें से कोई पसंद नहीं आता तो आप ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। तो फाइल में से आप ऐड कर सकते हैं, अगर आपके डाउनलोड कर रखे हैं म्यूजिक वगैरह वगैरह। एंड साइलेंट में कोई साउंड नहीं होता, यहाँ से बजना शुरू होता है साउंड। एंड इनमें से जो पसंद आता है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये वाला साउंड पसंद है। एंड इसके बाद बैक कर देंगे। बैक करते हैं आपका इस तरीके से साउंड सेट हो जाता है, देख सकते हैं। एंड जैसे कि एक ये वाला पसंद है, अलार्म वाला है। एंड इसके बाद बैक करते हैं, इस तरीके से सेट हो जाता है। और वाइब्रेशन एंड टिक करते टिक कर देंगे। सबको सेट करने के बाद इस एरो पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से आपका अलार्म सेट हो जाता है। डेफिनेटली पूरा सेट कर दिया मैंने। एंड इसी तरीके से आप भी सेट करेंगे। एंड वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स, तब तक नमस्कार।